वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? तो हम दोस्त उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। शगुफ्ता एजाज शोहर की वफ़ात के बाद लाइव आ गई। क्या कहा? मैं बेवा हो गई, आज मेरी बेटियां यतीम हो गई। आज की इस वीडियो में मुकम्मल लगाई देंगे रुलाने वाली बातें। शगुफ्ता एजाज ख़ुद भी रोती रहीं और अपने फैंस को भी रुलाती रहीं। आज की इस वीडियो मुकम्मल लगा ही देंगे, तस्वीर और वीडियोज़ भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शगुफ्ता एजाज का शुमार मुल्क के बड़े सितारों में होता है, इसलिए हमेशा खुलकर अपनी ज़िंदगी को दुनिया के साथ शेयर किया है। हर लम्हे को फैंस के साथ शेयर करने वाली अदाकारा आज किस मुकाम पर है? वो कैसी रहती हैं, किस तरह रहती हैं, उनकी बेटियाँ कितनी हैं, वो माँ कैसी हैं, वो एज़ अ फनकारा बीवी और एज अ एक्ट्रेस कैसी हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। इनकी शादी के बारे में बहुत से इनकशाफात हुए। शादी दो बार हुई। शगुफ्ता एजाज की पहली शादी हुई थी, उनसे दो बेटियां थी बड़ी, लेकिन वो शादी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी और तलाक पर ख़त्म हो गई। इनकी दूसरी शादी याया सिद्दीकी, जिनकी अब इंतकाल हुआ है, इनसे हुई थी। इनके साबका शोहर से इनकी दो बेटियाँ और इस जोड़े की दो और बेटियां थीं। इनका ख़ानदान खूबसूरती से बहुत ज़्यादा, इतना खूबसूरत के माला माल कि हर कोई इन्हीं को देखकर माशाल्लाह कहता, वो कहता घर का माहौल हो तो इन जैसा। शगुफ्ता एजाज काफ़ी मुश्किल हालात से गुज़र रही हैं। शगुफ्ता और इसके घर वाले शदीद मुश्किल से गुज़र रहे थे, क्योंकि इनका शोहर शदीद बीमार था और वो कैंसर जैसे मर्ज में मुबतला थे और हम और पिछले कुछ अरसा से बिस्तर पर भी थे। इनकी हालात बिगड़ते ही गए और आगा खान अस्पताल कराची में इनका इलाज भी जारी था। इस जोड़े यानी याहिया और जवेरिया ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई जब याहिया सदीकी अस्पताल में थे और बदकिस्मत से अगले दिन इनका इंतकाल हो जाता है। शगुफ्ता एजाज ने अपने शोहर के इंतकाल की अफसोसनाक खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की और तमाम अहले खाना के लिए सलामती और सब्र की दुआ करने को भी कहा। यह एक मुश्किल वक्त है और जैसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और इस वक्त तो क़यामत बरपा है इनके घर पर। उन्होंने लाइव आकर फैंस से दुआओं की अपील की और कहा कि नेगेटिव कमेंट करने से बाज आए प्लीज़। खुदारा, मैंने इसलिए नहीं ये तमाम चीज़ें शेयर की कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, आप मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करें, आप मुझे कभी बुरा भला कहें। मेरा शोहर इंतकाल कर गया, मैं इसी सदमे से नहीं बाहर निकल पा रही कि मेरी बेटियों का क्या होगा। मैंने दो बेटियां ब्याह दी, अब दो की जिम्मेदारी मुझ पर है। खवातीन हज़रात, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शगुफ्ता एजाज को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनके शोहर जिस दुनिया पानी से रुखसत हो गए हैं, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करें, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करें। आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद